तो फाइनली तुम लोग 18 साल के हो गए हो, तो तुम सबको एक एक किंगडम मिलेगा, जैसे स्नो, विंड, सी, सन, थंडरस्टॉर्म एंड फ्लावर। रिंकी, सेरेमनी आ जाए तो क्या तुमने डिसाइड कर ले कि तुम किस किंगडम में जाना चाहती हो और वहाँ पे पढ़ना चाहती हो? हाँ, मैं चाहती हूँ मुझे थंडरस्टॉर्म किंगडम मिले, क्योंकि मैंने सुना वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है और हमेशा बिजली कड़कती रहती है। अच्छा, मैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम में जाना चाहती हूँ, सन किंगडम में। मैम, आई थिंक मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन से किंगडम में जाना है। रिंकी देखो, मैंने तुम्हारे पापा से बात किया और हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा सन किंगडम। क्या, लेकिन मुझे तो मेरे पापा पसंद भी नहीं है, और वैसे भी सन किंगडम में तो सिर्फ फायर के अलावा और कुछ होता भी नहीं है। ओके क्लास, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सारे किंगडम्स के एडवांटेजेस क्या है। जैसे आपको एक किंगडम मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपको तुरंत एक पावर मिलेगी। सर, सन बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है और उसमें आग भी होती है और हम लोग उसके सरफेस पे रहेंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। हाँ, और जिनको सी किंगडम मिलेगा वो समुद्र के सबसे नीचे रहेंगे और उनके पास शार्क जैसा टेल भी रहेगा। हाँ, तुमने सही बोला, मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं विंड किंगडम में जाऊँ ताकि मैं एयर से भले ट्रांसपेरेंट बलून के अंदर रहूँ। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं स्नो किंगडम में जाऊँ ताकि मैं आइस कैसल के अंदर रहूँ, एल्सा की तरह। रिंकी, तुम किस किंगडम में जाना चाहती हो? थंडरस्टॉर्म। तुमने सुना कि रिंकी थंडरस्टॉर्म किंगडम में जाना चाहती है? हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ पे वो 100 साल से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्यों रिंकी, तुम्हें नहीं पता कि वहाँ पे बहुत कम बच्चे पढ़ाई करते हैं? पहले हम आपको मौका देंगे कि आप अपने मन से अपना किंगडम चूज करिए। अगर सिस्टम को लगेगा कि आप उस किंगडम में जाने के लायक है, तब आप एक्सेप्ट हो जाएंगे। ओके, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? तब वो आपको दूसरा किंगडम दे देंगे। ओके स्टूडेंट, सेरेमनी स्टार्ट होगी, साइल असेंबली हॉल में जाइए। तुम्हें जिस किंगडम में जाना उस किंगडम को चूज करो। थंडरस्टॉर्म। ओके, अभी सिस्टम लोड कर रहा है। आप इन किंगडम में जाने के लायक हैं। क्या क्या ऐसा नहीं हो सकता सिस्टम में? मुझे 3 किंगडम क्यों मिले हैं? हमें नहीं पता, शायद तुम्हें इन तीनों किंगडम में से कोई एक किंगडम चूज करना होगा। ओके क्लास, तो आप सबको अपना अपना किंगडम मिल गया ना, तो कल से आप लोग अपने नए स्कूल में जाएंगे अपने किंगडम के हिसाब से। टिंकी, क्या तुम्हें तुम्हारा किंगडम मिल गया? आई होप तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिल गया हो। वो रिया बात ऐसी है कि मुझे 3 किंगडम मिला है। क्या, लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या, तुम 3 किंगडम में तो नहीं रह सकती ना? रिंकी देखो, मुझे सी किंगडम मिला और देखो उन्होंने मुझे एक टेल भी दिया है। क्या, उन्होंने तुम्हें एक टेल दिया है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। जिस किंगडम में मुझे जाना था वो किंगडम मुझे मिल गया, ये। रिंकी, क्या तुमने अपना बैग पैक कर लिया? हाँ मम्मी, मैंने कर लिया है। ठीक है, एंड आई होप तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हारा 0% चांस है कि तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिलेगा। हाँ, मुझे पता है। क्लास, आज आप लोग की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, तो सारे लोग लाइन बना के रूम नंबर 101 में जाइए कंफर्मेशन के लिए। और उसके बाद? उसके बाद आप लोग को एक रास्ता मिलेगा जिससे आप लोग अपने अपने किंगडम में जाएंगे। ओके क्लास, अब आप लोग रूम नंबर 101 में जाइए। हेलो सर, मेरा नाम रिंकी है, मेरा नाम लिस्ट में होगा। ओके, अब चलो अपना किंगडम चूज करो। ओके, थंडरस्टॉर्म। सिस्टम में कोई एरर है, आप किंगडम अब सी में जा रहे हैं। क्या, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अब चलो अपना टेल चूज करो। क्या आप सीरियसली बोल रहे हैं कि मुझे इन तीनों में से कोई एक टेल चूज करना पड़ेगा? देखो, सिस्टम ने सजेस्ट किया कि तुम्हें किंगडम ऑफ सी में जाना चाहिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, तुम्हें चूज करना ही पड़ेगा, अब जल्दी करो। बहुत बढ़िया। रिंकी, मैं कुछ ही घंटों में किंगडम ऑफ सन में जा रही हूँ, और तुम? मैं किंगडम ऑफ सी। हाँ, उन लोगों ने तो तुम्हें ऑलरेडी टेल भी दे दिया है। तुमने देखा? ईयू। मम्मी, मैं कुछ ही घंटों में जाने वाली हूँ। मुझे बताओ तो तुम कहाँ जा रही हो, विंड किंगडम? नहीं, किंगडम ऑफ सी। क्या, किंगडम ऑफ सी? तो इसका मतलब हम तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। ईयू, तुम्हारे पास से तो बहुत गंदी से बदबू आ रही है। हाँ, बिल्कुल सड़ी हुई मछली की तरह। लेकिन कैसे, मैं तो अभी मरमेट भी नहीं बनी। उससे क्या फर्क पड़ता, उसकी तरह महक तो नहीं हो ना। जाओ यहाँ से। ओके क्लास, तो कुछ ही मिनट में आपके किंगडम में जाने का रास्ता खुल जाएगा और आप लोग अपने अपने किंगडम में ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर मैं डूब गई तो? रिंकी देखो, तुम डरो मत, सब कुछ अच्छा होगा। ओके ओके क्लास, तो आप लोग आराम से अपनी अपनी लाइन बना लीजिए। आप यस का बटन दबा के अपना कंफर्मेशन दीजिए ताकि आप अपने किंगडम में जा सके। जैसे ही आपका टेल एक्टिवेट होगा तो आप कभी भी चल नहीं पाएंगे, ना ही सांस ले पाएंगे, क्योंकि अब आपके पास गिल्स एंड लंग्स नहीं। क्या, आपका स्वागत है। अब जल्दी से अपना टेल एक्टिवेट कर लो, वरना तुम स्विमिंग नहीं कर पाओगी। क्या, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मैं कभी भी वॉक नहीं कर पाऊंगी। जल्दी से अपना टेल एक्टिवेट करो, जल्दी ही। क्या तुम यहाँ पे नई स्टूडेंट आई हो? हाँ। अच्छा, तो तुम इतनी सैड और डिप्रेस्ड क्यों लग रही हो? क्योंकि मैं कभी भी जमीन पे नहीं जा पाऊंगी, इसीलिए। वैसे वहाँ जाने का एक तरीका है, लेकिन आई थिंक तुम्हें पसंद नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज आप लोग अपने पावर पे प्रैक्टिस करनी होगी। क्या अंडर वाटर हम लोग के पास सुपर पावर भी होगा? हाँ, क्यों नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है करने के लिए किंगडम ऑफ सी में। आप लोग यहाँ पे फिश, वाटर, व्हेल, शार्क सबको कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ तक कि ऑक्सीजन को भी। रिंकी, क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे पास कौन सी पावर्स है? एक्चुअली मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे कोई सुपर पावर मिले। हाँ, लेकिन क्यों, मैं तो चाहती हूँ मैं एक दिन शार्क और वेल को कंट्रोल करूँ, कितना कूल है ना। मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि तुम हमारे किंगडम से नफरत करती हो। हाँ, तो? तो अगर तुमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की या फिर हमारे किंगडम में नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी पूछ काट दूंगी, समझी तुम? कम ऑन गाइस, आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिए और हमें अपनी सुपर पावर दिखाइए। मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बॉस सर, देखिए मैंने अपने पावर से एक वाटर बबल बनाया। वेरी गुड, गुड जॉब। ओके क्लास, तो कल आपका एग्जाम है तो आप लोग भूलिएगा मत, अगर आप लोग फेल हुए तो आपको किंगडम ऑफ सी से धक्के मार के निकाल दिया जाए। लगता है कोई कल के एग्जाम में फेल होने वाला है। देखेंगे। हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर देखूंगी जब तुम्हें धक्के मार के सी ऑफ किंगडम से निकाला जाएगा।
ओके तो सब लोग एक एक करके आगे आएंगे और सबके सामने अपनी पावर्स दिखाएंगे। सर प्लीज रिंकी को पहले भेजिए। ओके रिंकी तुम सबसे पहले आओ और सबके सामने अपनी पावर्स दिखाओ। कम ऑन फोकस करो। तुम्हारे पास लाइटनिंग मैजिक पावर? जल्दी से उसको पकड़ो, ये उनमें से एक है। क्या? लेकिन क्यों? क्या तुम पागल हो? तुम पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करियो, हमारी जान जा सकती है। हम तुम्हें किंगडम ऑफ थंडरस्टॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या सच में? हाँ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और याद रखना, जाने से पहले अपना टेल अनएक्टिवेट कर देना। मम्मी मैं घर आ गई। रिंकी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम्हारा टेल कहाँ गया? क्या हुआ? उन्होंने मेरे अंदर लाइटनिंग की पावर देखी, इसलिए उन्होंने मुझे थंडरस्टॉर्म किंगडम में ट्रांसफर कर दिया। क्या क्या तुम इस दुनिया के सबसे डरावने किंगडम में जाने के लिए रेडी हो? हाँ। ओके गुड लक, अपना ख्याल रखना। हे गाइस, ये यहाँ की न्यू स्टूडेंट, इसके पास लाइटनिंग की पावर है। हाय। हाँ, एक और आ गई। ग्रेट रिंकी, यहाँ का मेन रूल ये है कि तुम्हें डेली क्लास अटेंड करना होगा, ओके? क्योंकि यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाया जाता है। तो आज हम लोग अपने पावर के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। रिंकी सबसे पहले तुम आगे आओ। तो मैं लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकती हूँ। तुमने तो हमें डरा दिया, जल्दी से वार्डन के ऑफिस में जाओ, जल्दी। ओह गॉड, तुम तो वही हो ना जो किंगडम ऑफ सी से आई हो। ठीक है, अब जल्दी से मुझे अपना मैजिक दिखाओ। हाँ, क्या ये किस तरीके का मैजिक है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तुम जल्दी से रूम नंबर 205 में जाओ। ये सिस्टम तुम्हारे डीएनए के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए नया किंगडम चूज करेगा। क्या? तुम्हारा किंगडम लोड हो चुका है। आपका किंगडम ऑफ फ्लावर में वेलकम है। क्या मैं किंगडम ऑफ फ्लावर में आ चुकी हूँ? हाँ रिंकी, तुमने बिल्कुल सही बोला, हमें तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। तो हम इस प्यारे से किंगडम में रहते हैं, तो क्या आपको पता है कि हम क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं? रिंकी क्या तुम्हें पता है? फ्लावर। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, और साथ ही हम बर्ड्स, बटरफ्लाई, लीव्स सबको कंट्रोल कर सकते हैं। वाओ, बटरफ्लाई को भी? ये ओके क्लास, आपका आज का टास्क ये है कि आपको इस डेड प्लांट को जिंदा करना है। मुझे नहीं पता मैं ये कैसे करूंगी। रिंकी सच में तुम्हें हमारे किंगडम के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमारे किंगडम में हम अपनी पावर यूज करके डेड प्लांट को जिंदा करते हैं। ओके फोकस। प्रोफेसर, रिंकी फिर से आग का इस्तेमाल कर रही है। क्लास कल हम फिर से आपके पावर्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, ओके? क्या फिर से? मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा भी है। क्यों, क्या हुआ रिंकी, क्या तुम डर गई? हाँ छोड़ो, वैसे भी हमारे किंगडम से बिलोंग नहीं करती है, लूजर। हे रिंकी, क्या तुम्हें पता चला कि तुम्हारी पावर्स क्या है? नहीं अभी तक नहीं। वैसे यहाँ पे सारे लोग इतने अजीब क्यों हैं? नहीं हम अजीब नहीं है, हम तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि हम नेचर में रहते हैं। वाओ ये बटरफ्लाई कितनी सुंदर है। मम्मी मैं आपसे मिलने आई हूँ। रिंकी और कितना टाइम लगेगा, तुम ऑलरेडी 3 किंगडम बदल चुकी हो। मुझे नहीं पता मम्मी, मैं इसी के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। ओके क्लास, आपकी जो सुपर पावर है वो इस हैट के अंदर लिखी हुई है। रिंकी सबसे पहले तुम चूज करो। आई होप तुम्हें प्लांट्स को कंट्रोल करने की पावर मिले। देखते हैं। हाँ क्या, जल्दी से इसको यहाँ से निकालो। क्या, लेकिन मैंने क्या किया? क्योंकि तुम किंगडम ऑफ सन से बिलोंग करती हो, तुम यहाँ पे सब कुछ जला दोगी। किंगडम ऑफ सन में आपका स्वागत है। यहाँ पे इतनी गर्मी क्यों है? गर्मी तो होगी, हम सन के सरफेस पे जो है। तुम लकी हो कि तुम हम लोगों में से एक हो। हे मेरा नाम सारा, मैं तुम्हें यहाँ का टूर दूंगी। हाय मेरा नाम रिंकी है। हाँ मुझे पता, और तुम बहुत लकी हो कि तुम यहाँ पे जली नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? एक्चुअली तुम्हें नहीं बल्कि सन किंगडम के सारे लोग लकी है, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी बनी है कि हम हाईएस्ट टेम्परेचर पे भी जिंदा रह सकते हैं। You guys are very special. हमारा किंगडम इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम है। लेकिन ऐसा क्यों है? हम सब मिलके इस सन को अपनी एनर्जी से भर देते ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए चमकता रहे। क्या ये वही लड़की है जो अभी तक 5 किंगडम बदल चुकी है? For a kind information, it was only 3 kingdoms, sea, thunderstorm and flower. वो एक्चुअली मेरे बातों का पूरा मत मानना, बस यही है कि यहाँ पे तुम्हारे आने से सब लोग बहुत डर चुके हैं। मुझे पता है, मैं भी एकदम थक गई हूँ बार बार अपना किंगडम चेंज करते करते। अब मैं बस एक जगह रहना चाहती हूँ। आई होप सन किंगडम तुम्हारा आखिरी किंगडम हो। रिंकी मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें सन किंगडम मिला, लेकिन प्लीज यहाँ से जाने की कोशिश मत करना। अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तब क्या होगा? वो एक्चुअली विंड किंगडम अब किसी भी बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो तुम्हें आखिर में गार्बेज किंगडम में भेज दिया जाएगा। ओके क्लास, तो आज हम लोग सन को अपनी अपनी एनर्जी देंगे। क्या, लेकिन वो हम कैसे करेंगे? बस अपने ऊपर भरोसा रखो और अपना पूरा फोकस दो और इस सन को अपनी एनर्जी से भर दो। गुड जॉब गाइज। मुझे तो एक सेकंड के लिए लगा था कि मैं इस एग्जाम में फेल हो जाऊंगी, लेकिन थैंक गॉड सब कुछ अच्छे से हो गया। हाँ मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मेरी बॉडी इतनी जल क्यों रही है? मेरी कोई हेल्प करो। हाँ रिंकी तुम तो पूरा जल रही हो। सर हाँ जल्दी से इसको सन किंगडम से बाहर निकालो, वरना जलने की वजह से इसकी जान को खतरा हो सकता है। मम्मी मुझे सन किंगडम से निकाल दिया गया। हाँ मैं सरप्राइज थोड़ी ना हुई, मुझे पता ही था कि वो तुम्हें गार्बेज किंगडम में भेज देंगे। नहीं ऐसा नहीं। सॉरी रिंकी, अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, वो तुम्हें लेने के लिए आ गए। गुड बाय। आपके नए घर में आपका स्वागत है। यहाँ पे इतनी बदबू क्यों है? तुम्हें पता नहीं ये गार्बेज किंगडम है, यहाँ पे सारे किंगडम की गंदगी यहीं फेंकी जाती है। हे क्या तुम यहाँ पे नहीं हो? मेरा नाम है वेस्ट नंबर 503। हाय मेरा नाम रिंकी है। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारा यहाँ पे नाम नहीं होता? ये लो ये तुम्हारा, इस पे तुम्हारा नाम लिखा होगा। वेस्ट 1225। हाँ आज के बाद से ये तुम्हारा नया नाम है। क्लास सारे किंगडम की तरह हमारा किंगडम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस किंगडम में हम सारे किंगडम की गंदगी साफ करते हैं। क्या, मैं ही सब नहीं करने वाली? वेस्ट 1225, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? रिंकी चुप रहो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है?
रिंकी क्या तुम पागल हो? तुम यहाँ पे किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं कर सकती हो। तो क्या वो मुझे कूड़े में बदल देंगे? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, वो ऐसा ही करेंगे। वो यहाँ के बदतमीज बच्चों को रिसाइकल स्टेशन भेज देते हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मैं तो बिल्कुल थक गई हूँ। धीरे बोलो, अगर उन्होंने सुन लिया तो हमें और काम दे देंगे। हम सारे किंगडम से रिजेक्ट हुए हैं इसीलिए वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। वेस्ट नंबर 1225, हमने कैमरे में चेक किया, तुम अच्छे से काम नहीं कर रही थी। कल वो एक्चुअली मैं थोड़ी सी थकी हुई थी इसीलिए। ओह, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें सिर्फ एक हफ्तों के लिए खाना और पानी नहीं मिलेगा। ओके गाइस, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ, मैं भाग रही हूँ। टिंकी क्या तुम पागल हो? अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें रिसाइकल स्टेशन पे भेज देंगे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ। चलो चलते, आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर है। अरे नहीं, लगता उन्होंने हमें पकड़ लिया। हाँ, और सारे दरवाजे भी लॉक हो चुके हैं। अरे नहीं, अब तो हम सब रिसाइकल स्टेशन जाने वाले हैं। प्लीज हमें मत मारिएगा, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। तुम लोगों ने हमारे रूल को तोड़ा, तुम सबको तो पनिशमेंट जरूर मिलेगी। इन सबको रिसाइकल स्टेशन भेजो जल्दी। नहीं, रिंकी हमें माफ कर देना, हमें नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है। खैर मुझे भी नहीं पता था। अगर तुम्हारे पास इतनी सारी पावर्स थे तो तुम गार्बेज किंगडम में आई कैसे? यहाँ पे तो वही लोग आते हैं जिनको सारे किंगडम से रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिंकी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम सन किंगडम से बिलोंग करती हो? ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता था। अच्छा तो उन्होंने तुमसे क्या बोला? उन्होंने बोला कि वो मेरा फिर से एक एग्जाम लेंगे। ओए उधर, तुम लोग बात करना बंद करो, जल्दी से काम करो। तुम्हें इन लोगों को इतने गंदे से ट्रीट नहीं करना चाहिए, समझे? रिंकी क्या तुम भूल गई, इस किंगडम का नाम ही है गार्बेज किंगडम। हमारा काम ही है यहाँ पे ये सब काम करना, अब तुम यहाँ से जाओ। रिंकी मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम्हें एक चांस मिला कि तुम इस किंगडम से जा सकती हो। थैंक यू। वैसे वेस्ट 205 तुम्हारा रियल नेम क्या है? मेरा रियल नेम है तनिषा, प्लीज यहाँ पे किसी को मत बताना। मेरा सपना था कि मैं भी किसी एक अच्छे से किंगडम में जाऊँ, ना कि इस गार्बेज किंगडम में। हाँ मेरा भी सपना था कि मैं सी किंगडम में जाऊँ, मुझे मरमिट्स बहुत पसंद है। मुझे तुम लोग के लिए बहुत बुरा लग रहा है। रिंकी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, प्लीज मत रो। ओके तो हम सिस्टम से एक बार और चेकिंग करेंगे, अगर सब कुछ सही रहा तो हम तुम्हें सन किंगडम में फिर से वापस भेज देंगे। ओके सिस्टम लोड हो रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? रिंकी तुम सारे किंगडम से बिलोंग करती हो? हाँ, उन्होंने मुझसे बोला कि मैं इन सारे किंगडम्स की क्रिएटर हूँ। क्या तुम सारे किंगडम्स की क्रिएटर हो? हाँ हाँ, और यहाँ पे रहने के बाद मुझे पता चला कि तुम सब मेरे रियल फ्रेंड्स हो, इसीलिए मैंने एक नया किंगडम बनाया है और मैं चाहती हूँ तुम सब मेरे साथ वहाँ पे चलो। क्या सच में? ये अगर पूरी वीडियो देख ली है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड कमेंट्स में बताओ कि आप किस किंगडम में जाना चाहते हो।